हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.4 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर पे। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए थे, अब हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन इन द टू केसेस। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये है कि एक बैलून है, पहले से उसमें कुछ एयर भरी है। ठीक है, देखो जैसे मैंने उसको एक छोटे से सर्कल स्पेयर से रिप्रेजेंट करा हुआ है ना, कि जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आर वन जो है वो 7 सेंटीमीटर है। फिर इस बैलून में जो पहले से कुछ एयर भरी हुई थी उसको उसमें कुछ एयर और पंप्ड करी गई, ठीक है, और कुछ हवा भरी गई, तो उसकी अब रेडियस कितनी होगी, जो बैलून था वो और फूल गया ना, तो उसकी रेडियस अब कितनी हो गई आर टू ना। पहले रेडियस मैंने पहले जब जो स्पेयर था यानी जो बैलून था वो कैसा था, इतना बड़ा था, लाइक उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, जब उसमें एयर और भर दी गई तो वह फूल के और बड़ा हो गया, तो उसकी रेडियस मैंने क्या ले ली आर टू विच इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें अब बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। तो इन दो अलग अलग केसेस में, लाइक जब रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, जब बैलून में कुछ हवा भरी हुई थी, फिर जब एयर पंप करी गई इसके अंदर तो बैलून इतना बड़ा हो गया, उस केस में रेडियस हमने उसके लिए आर टू विच इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो इनका सरफेस एरिया है उनका क्या बताना है, रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो क्या है इसमें कि जब उसकी रेडियस आर वन है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो सकता है, 4πr² बिकॉज स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4π² ना। तो इस केस में हमने रेडियस आर वन ली है तो 4πr² हो जाएगा, और जब एयर भर दी तब उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr² ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें कैसे बताना है, बताइए, हम इसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों में एरियाज का रेशियो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4πr². ठीक है, 4πr², तो इस केस में 4πr1² और इस केस में 4πr2² बिकॉज पहले रेडियस कम है तो उसको मैंने r1 से डिनोट किया, फिर रेडियस r2 लाइक 14 है जिसको R2 से डिनोट किया है। तो हमें इनके बीच का रेशियो निकालना है दोनों बैलेंस में। तो इसका एरिया क्या है, 4πr1² और सेकंड वाले का क्या है, 4πr2² ओके स्टूडेंट्स, हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इनका रेशियो क्या निकल के आता है। ओके, तो एक चीज है कि मैं जो पहले फर्स्ट बैलून था उसका जो एरिया है सरफेस एरिया उसको A1 बोल दूं और सेकंड वाले का एरिया A2 बोल देता हूं। ठीक है ना, तो A1 रेशियो A2 हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होगा 4πr1, R1 की वैल्यू कितनी है, हम R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, R1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7² और 4πr2, R2 की वैल्यू कितनी है 14, तो 14² अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, 4π इस तरफ भी है, 4π इस तरफ भी है, दोनों रेशियो में तो 4π से 4π कट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या आएगा 7² रेशियो 14². ठीक है, अच्छा यहां पे क्या है, ये 7 का स्क्वायर है और यहां पे क्या है, ये 2 का स्क्वायर लाइक 14 का स्क्वायर है, तो हम
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या जो उनकी रेडियस है उसका रेशियो क्या है, 7 स्क्वायर और रेशियो 14 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर दैट मीन्स कितना आएगा, ये 7 7 जा 49, रेशियो 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 196। ओके स्टूडेंट्स, इतना आएगा। अच्छा अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इनको कट कर सकते हैं, बोलिए। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, रेशियो 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। ठीक है, तो उनके बीच का रेशियो एरिया का अभी तक क्या आ चुका है 49:196। अब 14 1 जा 14 और 14 4 जा 196। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशियो क्या आया 1:4। ठीक है, तो हमें क्या मिला, A2 का रेशियो क्या आया 1:4। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं, हमने क्या करा, जो 7 सेंटीमीटर रेडियस थी उसको R1 लिया और इसको R2, जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4π R1 स्क्वायर, और बड़ा सा वैल्यू ने उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4π R2 स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, A1 और A2 का रेशियो फाइंड करना है ना हमें, A1 रेशियो A2, तो A1 क्या हो गया 4π R1 स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो स्मॉल वाला बैलून था ना पहले, जिसका में कुछ कम ही आती, उसका 4π R1 स्क्वायर होगा, और जो एयर पंप करने के बाद वो कुछ फूल के बड़ा हो गया, वो एरिया क्या आया 4π R2 स्क्वायर। ठीक है, अब A1 और A2 का रेशियो हमने लिखा, देन क्या करा हमने 4π R1 स्क्वायर 4π R2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमने R1 की वैल्यू पुट कर दी 7, तो 4π 7 स्क्वायर, रेशियो 4π 14 स्क्वायर। ठीक है, 4π से 4π कट हो गया, 7 स्क्वायर, रेशियो 14 स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 14 1 जा 14 और 14 4 जा 196, तो 1:4 का रेशियो आया। ओके, तो A1 रेशियो A2 क्या आया 1:4। ठीक है, आप इसको लाइक डिवाइड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, लाइक ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, लाइक A1 upon A2 करके भी सॉल्व किया जा सकता था ना इसको, तो कैसे करेंगे, A1 यानी 4π R1 स्क्वायर, A2 यानी 4π R2 स्क्वायर। ओके, अब यहां से 4π 4π कट किया जा सकता है ना, तो क्या आएगा R1 स्क्वायर upon R2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A1 upon A2 क्या आया, R1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 स्क्वायर, R2 की वैल्यू क्या है 14, तो 14 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7, 14 स्क्वायर यानी 14 × 14, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, लाइक। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्या आएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 × 2 तो 4, तो क्या आ गया A1 रेशियो A2 क्या आ गया 1:4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है, अ हेमी स्पेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हमारे पास एक हेमी स्पेरिकल बॉल है, और एग्जैक्ट तो हेमी स्पेयर नहीं दिख रहा, बट लेट की एक हेमी स्पेयर है। ठीक है, और हमें इसका डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर। ओके, और हमें इसके इनसाइड में, यानी कि एक बॉल है, बॉल के अंदर क्या करना है, हमें टीन की प्लेटिंग करनी है। ठीक है, बॉल के अंदर हमें अगर प्लेटिंग करनी है, दैट मीन्स हेमिस्फेरिकल, जो हेमिस्फेरिकल बॉल है उसके कर्व वाले सरफेस पे हमें
प्लेटिंग करनी है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है इसमें, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ही तो फाइंड करना है। और उस कर्व सरफेस एरिया पे प्लेटिंग की क्या कॉस्ट आ रही है वो बतानी है। व्हेन 16 रुपीज कॉस्ट आ रही है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पहले हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या फिर इस बॉल का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस कितनी होगी, डी बाई टू, 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया आपको, रेडियस। ओके, अब सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है, 2πr² ठीक है स्टूडेंट। तो 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5/2 है ना, तो 10.5/2 इंटू 10.5/2 यहां तक ठीक। अब हम जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो क्या हो सकता है, 2 से 2 कट कर दो, 2 से ये 11 टाइम्स कट हो जाएगा ना, ठीक है, ये 7 से कट कर दो तो कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 7 बन जाओ 7 और इधर करी जाएगा तो 7 5 35, तो 1.5, तो हमारे पास क्या बचा, 11 × 1.5 × 10.5 मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट बतानी है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16 रुपीज। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 16/100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 16/100। और अब हमें कॉस्ट किसकी बतानी है, इस सरफेस एरिया के लिए ना, कि इस सरफेस एरिया पे ही तो प्लेटिंग होगी, तो हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर की कॉस्ट 16/100 है, तो इसको हम टोटल कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 प्लेटिंग 173.25 × 16/100। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ 27.72, ये हो जाएगा आपका आंसर। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब चलिए हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्फीयर का हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें उसकी रेडियस बतानी है। ठीक है, तो आप बताओ कि पहले सॉल्यूशन लिखेंगे ना, और सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² यही होता है ना। ठीक है, हमें ये चीज गिवन है। ठीक है, हमें क्या है, सरफेस एरिया गिवन है ना, कितना गिवन है, 154 = 4πr², ये हमें गिवन है ना, सरफेस एरिया गिवन, दैट मीन्स 4πr² की वैल्यू गिवन है। ठीक है,
बस चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा आर की वैल्यू, तो 154 4 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा ना, 4 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, और 22 से 7 टाइम्स ये कट हो जाएगा 154, तो हमारे पास क्या आया 7 इंटू 7 अपॉन 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे स्क्वायर को इस तरह भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 4। तो जब हम रूट लेंगे तो यहां से एक पेयर बनेगा ना, तो 7 इंटू 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 7 अपॉन 2 क्या आ जाएगी आर की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आ गया यहां से 7 अपॉन 2 इज द रेडियस, ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या करा, जस्ट कुछ नहीं किया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमें गिवन था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमने क्या करा सरफेस एरिया पता है आपको इस बार में गिवन है, तो 154 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल टू पुट कर दिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 7 इंटू 7 अपॉन 4, ठीक है, फिर हमने स्क्वायर को इस तरह भेजा तो वो रूट में कन्वर्ट हो गया, तो रूट ऑफ 7 इंटू 7 अपॉन 4, फिर हमने इसका रूट लिया तो हमें मिला 7 अपॉन 2 इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस आ गई हमारे पास 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया, होप स्टूडेंट्स ये चीज आपको समझ में आई होगी, और जो इस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।